केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए ग्वालियर पहुंचे, जहां उन्होंने स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम पर प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर समेत कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति और जनहानि का आकलन किया, साथ ही भविष्य में ऐसा दोबारा न हो इसके लिए अधिकारियों को रणनीति बनाने के निर्देश दिए। सुबह अंचल के दौरे पर रवाना होने से पहले सिंधिया के सामने प्रेजेंटेशन भी दी गई। इसमें नदियों, डैम और मौसम पर नजर रखी जाएगी, जिससे इस तरह की आपदा से पहले ही लोगों को अलर्ट किया जा सके। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि सीएम लगातार रात 2-2 बजे तक जाकर अंचल के बाढ़ प्रभावित हर इलाके पर नजर रखे हुए हैं। मैं भी दौरा करने जा रहा हूँ। हमारा प्रयास बाढ़ की चपेट में आकर अपना सब कुछ खो चुके लोगों को जल्द से जल्द मदद मुहैया कराना है। नहीं, हमारी पूरी मॉनिटरिंग पिछले एक हफ्ते से, जब से ये प्राकृतिक प्रकोप आया है, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलके कार्य कर रहे हैं। मेरी चर्चा रात के 2 बजे तक मुख्यमंत्री जी के साथ रोज हो रही है, दिल्ली में गृह मंत्री जी के साथ, रक्षा मंत्री के साथ, सभी के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा हो रही है। कल ही हमारी मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री जी स्वयं बड़े चिंतित हैं। और ये पिछले 40 साल में ऐसी तबाही हमारे ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हमें देखने को नहीं मिली, जहां जान माल, पुल, सड़क, हर तरीके से सभी क्षेत्रों में इतनी हानि हुई। और इसलिए केवल प्रदेश की डिजास्टर रिलीफ फोर्स केवल नहीं, लेकिन केंद्र सरकार से भी NDRF की फोर्स भेजी है, आर्मी को भी हमने भेजा है। पहले हमने करीब 6 उड़न खटोले भेजे थे, पर बुरे मौसम के आधार पर वो उड़ नहीं पाए, 2 दिन बाद उड़ पाए। पर कुल मिलाकर करीब करीब 15-20 हज़ार लोगों की जान बची है।